जय जयंद, नमस्कार। मैं शांतिलाल कोठारी आज आपको बताने वाला हूं कंधों में होने वाले दर्द के लिए, शोल्डर पेन के लिए आपको कुछ क्रियाएं बता रहा हूं, ताकि आपके कंधे में अगर दर्द है वो क्रिया करने से आपके कंधे में दर्द दूर हो जाएगा। तो पहली क्रिया मैं आपको बता रहा हूं, कंधों को ऊपर नीचे रहना है, दोनों शोल्डर को ऊपर अप डाउन करना है, श्वास भरते हुए अप करना है, श्वास छोड़ते हुए डाउन करना है। तो हाथों को इस ढंग से रखें, घुटनों पर रखें और फिर कंधों को अप डाउन करें। ये 10-10 बार और फिर धीरे धीरे आप इसकी अवधि बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है वैसे इसकी आप इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। इसके बाद अगली क्रिया करेंगे, कंधों को शोल्डर को पीछे से आगे गोलाकार घुमाना है, पूरा ऊपर उठाते हुए। टेन टाइम्स और फिर वापस आगे से पीछे। ये भी 10 टाइम्स। फिर इसके बाद एक ही कंधा बारी बारी अप डाउन करना है पीछे से आगे की ओर। ये भी 10 टाइम। फिर वापस उल्टा आगे से पीछे। रिलैक्स और फिर इसमें दोनों हाथों को लॉक कर आगे की ओर खींचना है और गर्दन को पीछे की ओर पूरा स्ट्रेस देना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। इसमें पूरा तनाव महसूस करें, छोड़ें, फिर तनाव, फिर छोड़ें। यही ढंग पीछे की ओर करना है। एक बार देख लें आप, पीछे की ओर पूरा तनाव दें, छोड़ें। इसको साइड से देख लें एक बार आप, इस ढंग से लॉक करें हाथ और पीछे की ओर पूरा तनाव देना है, पूरा तनाव छोड़े। इस ढंग से आपको तनाव देना है। अगली बार एक क्रिया और, जिसमें हाथ राइट हैंड ऊपर की ओर और यहां से पूरा ऊपर की ओर खींचना है, यहां पर तनाव को महसूस करना है शोल्डर के भाग पर, पूरा खींचें और छोड़ें। दूसरी तरफ और 10 सेकंड होल्ड करना है, पूरा खिंचाव देकर 10 सेकंड होल्ड करना है और छोड़े। इस ढंग से ये छोटी छोटी क्रियाएं करने पर आपका शोल्डर पेन अपने आप दूर हो जाएगा। कंधे में दर्द के लिए एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, ये जो मैंने निशान लगा कर रखा है, यहां पर ये बार देखें, यहां पर हल्का सा इस ढंग से दबाव दें, छोड़ें, दबाव दें, छोड़ें। तो ये दो से तीन मिनट का दबाव यहां पर देना है, तो निश्चित ही आपके कंधे का दर्द दूर होगा। इस हाथ में भी कर सकते हैं और इस हाथ में भी, दोनों तरफ आप कर सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान दें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको फायदा हुआ हो तो भी आप इसके अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को जरूर संप्रेषित करें। धन्यवाद।